चलो क्वेश्चन नंबर देखो बेटा सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। मतलब मदन लाल के बुक्स में आपको पांच अकाउंट बनाने हैं, कैश, बैंक, परचेस, सेल्स और कैपिटल। कैश अकाउंट हमेशा एज कंपेयर टू बाकी सबसे ज्यादा बड़ा बनाने का रीजन, उसके ट्रांजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू फर्स्ट, सबसे पहले आपको वहां पर डेट मेंशन की गई है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन की डेट क्या है आपके, अगस्त 2019। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप ऐसा लिखो डेट, मंथ और ईयर ऐसा लिखो, या फिर आप क्या कर दो सब सम के अंदर अगस्त 19 लिख के रख दो। बात तो वही हो गया आपके लिए कि बार बार वो अगस्त 19 अगस्त 19 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अगस्त 19 अगस्त 19 ऐसा लिख के रखते हैं, तो अपने लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। खाली डेट ले वन, एक कौन सी तारीख है खाली वही लिखना पड़ेगा, अगस्त 19 अगस्त 19 अगस्त 19। चलो माय डियर, सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ना शुरू करो बेटा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमको क्या कहता है जरा वो ध्यान से पढ़ना। स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ऑफ 40,000। बेटा हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी किसके साथ, बैंक बैलेंस के साथ। तो माय डियर, बिजनेस में डाले गए पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल। दूसरा, बैंक बैलेंस है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स है तो गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। जिससे हमने बिजनेस की है शुरुआत वो हो गया डेबिट। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने स्टार्ट किया बेटा किसके साथ, बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैन वी से, कोई दिक्कत है क्या? सर क्या हमारे पास बैंक अकाउंट है? हाँ सर। क्या हमारे पास कैपिटल अकाउंट है? यस सर। तो बेटा बैंक के डेबिट में जाओ, सर बैंक के डेबिट में गया, क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। सर बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखा आपने, कैपिटल। तो सर कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक। कोई दिक्कत है क्या? पोस्टिंग समझ में आई? बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखा, कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिखा, बैंक। तेरे बुक में मेरा नाम, मेरे बुक में तेरा नाम, तुम्हारे बुक में मारा नाम छे, हमारे बुक में तुम्हारा नाम छे। ये सिंपल सी बात है, डेबिट में जाके क्रेडिट का, क्रेडिट में जाके डेबिट का, डेबिट में लिखते समय टू लिखने का, क्रेडिट में लिखते समय बाय लिखने का, ये चीज याद रखने का। तारीख क्या बेटा, एक तारीख इधर एक तारीख इधर। क्या हमको अमाउंट दिया है? यस सर, 40,000 रुपया डेबिट, 40,000 रुपया क्रेडिट। सर हमको यहाँ पर क्या करने के लिए बोला, जर्नल एंट्री। क्या करने बोला है? इसलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा ना फोकस करके हम लोग पोस्टिंग पे फोकस करें, इसलिए ना तो मैंने यहाँ पे नरेशन लिखा, ना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करो अमाउंट लिखने पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंड, दो तारीख को क्या बोलता है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ ₹15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा हमने माल खरीदा कि बेचा, खरीदा तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, खरीदा तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। नाम लिखा है क्या वहां पे, कैश वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं, असीम का नाम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू असीम अकाउंट। अरे तकलीफ है क्या बेटा? नहीं सर, पक्का। अब सवाल आता सर अमाउंट क्या आएगा, वहां पर देखो आपका परचेस कितने का, 15,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर 15,000 का 10% कितना होता है, 1500। तो 15,000 में से 1500 रुपया गया तो कितना का, 13,500। तो एंट्री 13,500 की आएगी, किसकी आएगी, 13,500। अब ध्यान दो, क्या मेरे पास परचेस अकाउंट है? हाँ। तो परचेस के डेबिट में जाकर क्या लिखा बेटा मैंने, असीम अकाउंट टू असीम अकाउंट, तारीख दो, अमाउंट 13,500। कोई दिक्कत है क्या? बट क्या मेरे पास असीम अकाउंट है? क्या मेरे पास असीम अकाउंट है? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको बनाने वाले नहीं है, ठीक है। तो असीम अकाउंट अपने पास नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बोला ही नहीं गया, जो चीज करने ही नहीं बोली है उसको बना के मतलब नहीं है।
तो परचेस के डेबिट में मैंने क्या लिख दिया, असीम, और अमाउंट मैंने निकाला 15 में 1500 का, तो 13,500 डेट के साथ लिख दिया। ओके, आगे देखो क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर 8,000 फॉर कैश, यानी अरुण को मैंने माल बेचा, ये तो बात क्लियर है। खरीदते तो डेबिट, बेचते तो क्रेडिट, तो इसका मतलब तारीख क्या आएगी बेटा, 3 तारीख, तो सेल्स तो मेरा क्रेडिट हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया सर, सेल्स मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। अब मैंने माल बेचा तो पैसा आया कि नहीं आया वो मैटर करता है, फॉर कैश बोला है, क्लियरली क्वेश्चन में बोला है फॉर कैश, तो मैंने अरुण को बेचा, वरुण को बेचा, किसको बेचा, उससे मैटर करता नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मनी भाई, तो अपने को मनी भाई मिल गए कैश अकाउंट। अब सबसे बड़ी बात, क्या मेरे पास कैश अकाउंट है, हाँ, क्या मेरे पास सेल्स अकाउंट है, हाँ, दोनों में एंट्री आएगी सर, एक ही होता तो एक में आती, दोनों है तो दोनों में आएगा, ठीक है। तो सर कैश अकाउंट दिया है, कैश अकाउंट डेबिट है, तो सर कैश अकाउंट के डेबिट में जाने का क्या लिखेंगे सर, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाने का बाय कैश अकाउंट, कोई दिक्कत है क्या सर, कैश में जाके सेल्स लिखा, सेल्स में जाके कैश लिखा, समझ में आ रही बात सर, कैश के डेबिट में सेल्स आया तो सेल्स के क्रेडिट में कैश आएगा, समझ में आ गई बात। अभी तारीख बोल रहेगा क्या, 3 तारीख, इधर भी 3 तारीख, इधर भी 3 तारीख, सर अमाउंट क्या है, 8,000 डेबिट में, 8,000 क्रेडिट में, कोई दिक्कत नहीं सर। 4 तारीख, पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने क्या भरा बेटा, रेंट भरा, और क्या भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर ये इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, एक्सपेंस ऑलवेज, जब मैं ऑलवेज बोलता हूं, कभी भी बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, तो हमेशा मतलब जमरते दम तक वो डेबिट होगा, ठीक है, रेंट भी डेबिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट होगा, ठीक है। तो रेंट भरा आपने ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पेड रेंट, भाड़ा भर रहे हो आप, तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सपेंस डेबिट है। अच्छा, क्या मेरे पास रेंट अकाउंट है, नहीं। क्या मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है, नहीं, बट मेरे पास कैश अकाउंट तो है, तो कैश अकाउंट में जाओ सर, कैश के डेबिट में जाओ कि क्रेडिट में जाओ, सर क्रेडिट में जाओ, सर चला गया, वहां पर क्या लिखूंगा, बाय, क्या लिखूंगा, बाय, तो बाय में किसका नाम आएगा, रेंट अकाउंट और बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं। तारीख दिया क्या सर, 4 तारीख, सर रेंट का अमाउंट बताइए और इलेक्ट्रिसिटी बिल 500, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, पक्का। पोस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है क्या, आराम से मस्के जैसा समझो, डेबिट में जाके क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में जाके डेबिट का नाम, डेबिट में लिखते समय टू, क्रेडिट में लिखते समय बाय। नेक्स्ट 5, परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी फॉर 55 रुपीज पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज 250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग, मतलब सारा पैसा किससे भरा है, नेट बैंकिंग है, बैंक से भरा है, ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने खरीदा कि बेचा, खरीदा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, इतना तो समझ में आता है, बट सर ये परचेसेस नहीं होगा, ये है शेयर्स खरीदा हमने, क्या खरीदा, शेयर्स, तो इसका मतलब यहां पर तारीख लिखो 5 और मैंने क्या खरीदा, शेयर्स खरीदा, तो शेयर्स इन परफेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, शेयर्स खरीदा, तो शेयर्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, शेयर्स आ रहा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स में पैसा लगाया मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। 2 कैश या बैंक, बैंक, यहां पर बैंक आएगा क्योंकि नेट बैंकिंग बोला है। ओके सर, अमाउंट क्या आएगा बेटा, एक शेयर कितने का है, तो 100 शेयर कितने का हुआ, 5,500 का, ब्रोकरेज का 250 रुपया बोला अलग से, हाँ है ना, तो दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 5,750, कोई दिक्कत। क्या मेरे पास शेयर्स अकाउंट है, नहीं, तो मेरे पास कौन सा अकाउंट है, बैंक, तो सर बैंक के डेबिट में जाओ कि क्रेडिट में जाओ, सर क्रेडिट में जाओ, गया बेटा, गया क्रेडिट में गया, सर वहां पे क्या लिखूंगा, बाय लिखूंगा, बट बाय में क्या आएगा, शेयर्स इन परफेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वही बोला ना,
चलो कितना बोलता है? 5750. कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आगे छह, विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज. बेटा गुड्स निकाला, अरे सर गुड्स निकाला काय के लिए निकाला बेटा? पर्सनल यूज. तो सर पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को आप क्या बोलते थे? ड्रॉइंग बोलते थे. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट तो गुड्स बोलेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट तो गुड्स बोलेंगे. अरे यस और नो? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. पर्सनल यूज के लिए निकाले गए इस चीज को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग. तो क्या निकाला? गुड्स या कैश? गुड्स निकाला तो गुड्स, कैश निकाला तो कैश, बैंक से निकाला तो बैंक. तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे पास ड्रॉइंग अकाउंट है? नहीं. क्या मेरे पास गुड्स अकाउंट है? नहीं. टेंशन लेने का नहीं, आगे बढ़ने का. सिक्स के बाद सेवन, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश 5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट. मैंने क्या बेचा बेटा? माल बेचा. तो माल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हाउ मच? 5000. बट ये 5000 का सामान बेचने के लिए मुझे 10% क्या देना पड़ा बेटा? कैश डिस्काउंट. क्या देना पड़ा सर? उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट. हाउ मच? 500 रुपया. तो इसका था 4500 बचा बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे? कैश. कैश. कोई दिक्कत है क्या? मतलब 5000 का सामान बचा, 500 रुपया डिस्काउंट, मतलब 4500 रुपया कैश आया. 5000 का सामान गया, 4500 कैश आया. 5000 का सामान गया, 4500 कैश है, तो 500 रुपया मेरा क्या होगा? डिस्काउंट. सर आपने डिस्काउंट दिया है कि लिया है? दिया है. प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो डिस्काउंट ऑलवेज डेबिटेड. रीजन एक्सपेंस है, लॉस डिस्काउंट आपने दिया है. अरे समझ में आ रही बात? सेल्स किया है, माल बेचा है, बेचते समय आपने जो डिस्काउंट दिया उसको आपको लॉस है. वो आपके लिए क्या है? वो लॉस है. समझ में आ रही बात? क्या आपके पास कैश अकाउंट है? ओके सर, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ. सर चला गया, क्या लिखूंगा? टू सेल्स अकाउंट. वेरी गुड. बट अमाउंट कौन सा लिखूंगा? 4500. तारीख 7. उसके अलावा क्या मेरे पास डिस्काउंट अकाउंट है? 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 नहीं. क्या मेरे पास सेल्स अकाउंट है? हाँ. तो कहाँ? डेबिट में जाओ कि क्रेडिट में जाओ? डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट है. तो क्रेडिट में जाने के बाद क्या लिखने का वहां पर? बाय कैश. वेरी गुड. तारीख बोलो. 7 तारीख. अमाउंट बोलो. सर सर 5000 लिखो. सर 5000 लिखो. सर 5000 लिखो. अरे हाँ बेटा 5000 लिखेंगे. पूछ कैसे? क्योंकि सेल्स में जाने के बाद आपके पास दो अकाउंट है. डिस्काउंट भी तो है सर. अभी हमने डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाया तो हमने पाप थोड़ी ना किया, हमसे पाप करवाया गया है. समझ में आ रही बात? हमको बोला ही नहीं बनाने के तो हम क्यों बनाए? पहला चीज तो ये हो गया. तो कैश के डेबिट में आके मैंने सेल्स लिखा, मैंने कोई पाप नहीं किया. अगर मेरे को डिस्काउंट बोलता, डिस्काउंट में बनाता, डिस्काउंट के डेबिट में आके सेल्स लिखता, बोला ही नहीं तो मैं क्या करूं? लेकिन सेल्स में जाकर क्रेडिट में, सेल्स के क्रेडिट में आके डेबिट में तो दो अकाउंट है, दोनों को लिखना पड़ेगा ना. एक घर में दो बच्चे तो दोनों को समान ट्रीट करोगे कि अलग अलग? समान. तो भाई क्रेडिट में आके डेबिट में दो आइटम तो दोनों को लिखना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. अभी तुम दो कैडबरी लेकर गए, उसमें से एक बड़ा जो बच्चा है वो घर के बाहर है, दोस्तों के साथ घूमने गया है, तो फिलहाल तुम एक ही ट्रीटमेंट पास करोगे ना. तो जब मेरे पास कैश था तो कैश में एंट्री पास किया, डिस्काउंट नहीं दिया, तो हमारी तो गलती नहीं है इसमें, है ना. तो डिस्काउंट. लेकिन जब सेल्स दिया है तो सेल्स के क्रेडिट में तो दो डेबिट आएंगे ना, कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा. कोई दिक्कत है क्या? आगे देखते हैं. आगे बोलो बेटा. 8 तारीख, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. भैया आपने कैश डिपॉजिट किया, किधर किया? तो पैसा लेकर गए, पैसा दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. किधर? बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या मेरे पास बैंक अकाउंट है? तो बैंक के डेबिट में जाओ टू कैश अकाउंट.
और कैश के क्रेडिट पे जाओ, तारीख अमाउंट 2000 डेबिटेड 2000 क्रेडिटेड। नेक्स्ट नाउ पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। ओ माय गॉड, अपना ड्राइंग तो चलता था, बेटी का फीस भी कॉलेज के क्लासेस से या बिजनेस के डेबिट कार्ड से भर रहे। पहला चीज डॉटर्स ट्यूशन फीस अंडरलाइन करो। माय डियर, डॉटर पर्सनल होती है, बिजनेस में होती है क्या? नहीं, इसका मतलब प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी पर खर्चा किया गया है। ऐसा अज्यूम करो कि प्रोप्राइटर की बेटी का ट्यूशन फीस बिजनेस क्यों पे करे? इट्स अ ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉइंग। प्रोप्राइटर की बेटी पर किया गया खर्चा, प्रोप्राइटर की बीवी पर किया गया खर्चा, या प्रोप्राइटर की बीवी को दिया गया पैसा, प्रोप्राइटर के बच्चे पर किया गया खर्चा ड्रॉइंग कहलाएगा। क्या किया कहेगा? ड्रॉइंग। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ड्रॉइंग आया। क्या आया? ड्रॉइंग। तो समझ में आ रही 9 तारीख की एंट्री? तो पहला क्या एंट्री होगा बेटा? ड्रॉइंग। पैसा कहाँ से गया? बैंक से गया, तो टू बैंक। इसलिए तो बेटा अंडरलाइन करा है, जो चीज नहीं लिखी इसलिए तो मैंने अंडरलाइन करा कि यहाँ पे अंडरलाइन करो। ड्रॉइंग क्यों लिख बोला जाएगा? क्योंकि डॉटर है, बिजनेस की डॉटर नहीं होती है, ठीक है? प्रोप्राइटर पर्सनल इंसान, नेचुरल पर्सन की डॉटर होती है, आर्टिफिशियल पर्सन की डॉटर होती है क्या? कभी तुमने सुना है क्या बृहन्मुंबई महानगर पालिका की डॉटर है? कभी तुमने सुना है क्या मुंबई यूनिवर्सिटी की डॉटर है, महाराष्ट्र बोर्ड की डॉटर है? डॉटर नेचुरल पर्सन का होता है। तो नेचुरल इंसान के डॉटर के ऊपर किया गया खर्चा बिजनेस के लिए ड्रॉइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। समझ में आ रही बात? तो वही चीज है, ठीक है? क्या मेरे पास ड्रॉइंग अकाउंट है बट मेरे पास कैश बैंक अकाउंट है? तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाओ। क्या लिखूंगा? बाय। कितना अमाउंट है बेटा? 3000। पक्का? आगे देखते हैं। परचेज अ टेबल फॉर सॉरी मैंने क्या खरीदा बेटा? टेबल आ रहा है कि जा रहा है? तो टेबल को हम लोग फर्नीचर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा दिया है ना, तो कितना? 2000। फर्नीचर अकाउंट है क्या हमारे पास? नहीं, हमारे पास क्या है? कैश। तो कैश के डेबिट में जाओ कि क्रेडिट में जाओ? क्रेडिट में। बाय फर्नीचर। आगे बोलो कितना? 2000। तारीख 9 तारीख, 10 तारीख, सॉरी 10 तारीख। आगे बोलो बेटा। 19 रिसीव्ड 1500 बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप। अपन ने घर का बंगार वंगार बेचा, मम्मी ने बहुत मार मार के साफ करो, चलो साफ सफाई करके अपन ने भंगार निकाला, उसको स्क्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रैप। रद्दी रद्दी निकाला। अभी तुम लोग 11वीं में आ गए, 8वीं 9वीं की बुक पढ़ी है, और सब मम्मी ने बोला बेच दो, OLX पे बेच दो, नहीं तो कहीं भी भंगार में आके बेचता, लेकिन मेरे को ये कच्चा दिखना नहीं चाहिए। तो तुमने भंगार वाले को जाके बेचा, 1500 रुपए मिला। कितना मिला? तो बेटा पहला चीज, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश अकाउंट डेबिट। टू, सेल ऑफ स्क्रैप। क्यों मिला बेटा पैसा? भंगार बेचने पे मिला। तो पहला तारीख 11, तारीख 11 11 नहीं 19 है सॉरी 19। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। टू, सेल ऑफ स्क्रैप। तो सर कैश डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है। तो डेबिट में जाके क्या लिखोगे? सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। तारीख 19, अमाउंट 1500। नेक्स्ट 27 पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000। मतलब हमारे पास, हमको क्या करना है कि हमारे पास जो भी पैसा बचा है कैश, अगर वो 2000 रुपए से ज्यादा है, क्या बोला? अगर मेरे पास कैश 2000 रुपए से ज्यादा है तो उसको बैंक में डालने का। किधर डालने का? सर मेरे को, मैं ना बहुत खर्चा करने वाला इंसान है, मेरे को जब भी पैसा आता है मैं उड़ा देता है, खर्चा कर देता है। जितना जल्दी पैसा आता नहीं उतनी जल्दी पैसा खर्चा हो जाता है, हाथ की मैल है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा खर्चा हो। तो मेरी बीवी ने मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ा और बोली ठान ठान ठान, आज का जिधर भी पैसा आएगा पहला मेरे हाथ में देने का। तो मेरी बीवी का जो भी फीस कलेक्शन होता है मैं लेके आता है, मेरी बीवी कहते थे माता ले ले, तो ले लेती है।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये सब पतियों का वही हाल है, तो पैसा दे देते। अब पत्नी ने क्या किया, 2000 रुपये जेब में डाला, यानी कैश मेरे पास कितना भी हो उससे मैटर करता नहीं है, 2000 रुपये मेरे जेब में, बाकी का जो भी पैसा है ना वो बैंक में जाएगा। तो वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरे पास कितना पैसा है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा है, उसके लिए मुझे टोटल करना पड़ेगा। बट मुझे इतना पता है मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2000, समझा। यानी इतना मुझे पता है कि मेरे जेब में कम से कम कितना पैसा होना चाहिए बेटा, बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर मेरे जेब में कितना होना चाहिए, सिर्फ 2000 रुपए, कितने होने चाहिए सर। इसका मतलब इसके ऊपर रहा तो वो सब किधर जाएगा, बैंक में जाएगा, किधर जाएगा बेटा, बैंक। अरे समझ में आ रही बात, अगस्त का महीना, महीने का आखिरी दिन 31 होता है, ठीक है, ध्यान दो वापस। महीने भर जितना भी खर्चा करोगे, इनकम कमाओगे, उसमें से 2000 रुपया बैलेंस रखने का, बाकी का पैसा किधर डालेगा, बैंक में, समझा। तो इसका मतलब कैश का क्लोजिंग बैलेंस मालूम है 2000 रुपया, कितना, बाकी का पैसा बैंक में। तो कितना पैसा दे, देखो माय डियर, डेबिट का टोटल करना जरा, कितना होता बेटा, चेक करो, 8, 4, 12, 1, 13, 1, 14,000, 14,000 एज इट इज यहां पर लिखा मैंने। क्रेडिट में कितना जरा देखो, 3 + 2 = 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 11, क्योंकि मैंने बोला तो अपने को क्लोजिंग मालूम है, 11,500, तो इसका मतलब 3,500 बचा, नहीं 2,500 बचा, अरे हाँ ना, 2,500, तो ये 2,500 क्या जाएगा बेटा, बैंक में जाएगा, किधर जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, वो भी कौन सी तारीख को, 31st। सर यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट, कैश अकाउंट, हाउ मच, 2,500। अरे समझ में आ रही बात, यानी मान लो ऐसा समझो, एग्जाम्पल समझो कि कमाए आपने पूरा महीने पर कितना कमाया, 14,000 रुपया, कितना कमाया, 14,000, ठीक है, 14,000 रुपया कमाया, लिया, अब जाके बीवी को दे दिया, अब बीवी बोले कि ठीक है रेंट का 3,000 रुपये साइड में रखी, इलेक्ट्रिसिटी का 500 रुपये साइड में रखा, बैंक का 2,000 रुपये साइड में रखा, फर्नीचर का 2,000 रुपये साइड में रखा, अब तुम्हारे हाथ में बचा है 4,500 रुपया, कितना बचा है, 4,500, जिसमें से 2,000 रुपया तुम रखो, तो अभी कितना बचा, 2,500 रुपया, वो बैंक में डाल के आती हूँ कल, समझा, हाँ है ना, अभी समझ में आ रही की बात, क्या बोला मैंने, एक्सेस ऑफ 2000 बोला है, 2,000 रुपया तुम रखो, बाकी सब मैं बैंक में डाल के आती है, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस 4,500 बचा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस कितना बचा, 4,500 बचा, उसमें से 2,000 रुपया तुम रखो क्लोजिंग बैलेंस, बाकी सब बैंक में जाएगा, तो वही बैंक में यहाँ पे डाल के आ गया, खत्म हो गया बात। अब आ जाओ बैंक की तरफ आते बेटा, बैंक में डेबिट में कौन सा टोटल है बेटा, 40 + 2 = 42, 44,500, अरे समझ में आ रही बात, 44 है ना, सेम टोटल यहाँ पर भी लिखो 44,500, तो सर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, तो 5 + 3 = 8, तो 44,500 में से 8,750 माइनस करो बेटा, चलो माइनस करके दिखाओ, 11th में आ गए, इतना तो माइनस तो बनता है बॉस, माइनस करके दिखाओ, 44,500 में माइनस 8,750, 44,500 माइनस 8,750 माइनस किया, कितना, 36,250, सबका सेम आ रहा है, चेक करो, 0, 0, carry 1, 10, carry 1, 6 + 3, 8, 8 + 8, 44, कोई दिक्कत। परचेस की तरफ आते हैं, परचेस में एक ही साइड अमाउंट है सर, 13,500, सर सेम टोटल दोनों साइड लिखने का, हाँ सर, बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा, 13,500, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस सीडी 31st, कोई दिक्कत है क्या। सेल्स की तरफ आओ, 8, 4, 12, 1, 13,000 यहाँ पर हो गया, सेम 13,000 रुपये यहाँ पर भी लिखा, उसके अलावा 13,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर भी हो गया ना, 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31st, है ना,
आठ चार बारह एक तेरह ना, फिर 40,000 यहां पर भी लिखा सर, सेम टोटल यहां पर भी लिखो 40,000, तो सर बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 31st, कोई दिक्कत सर? आपने बताया था कैरी डाउन के बाद ब्रॉट डाउन भी करने का। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता बेटा? मेरे कैलेंडर में सितंबर आता है, आपके कैलेंडर का आप देख लो। अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर 1 है ना, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ का कैरी डाउन यहाँ का ब्रॉड फॉरवर्ड, कोई दिक्कत सर? यहाँ पे कैरी डाउन है, यहाँ पर क्या आएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 36,250, यहाँ का कैरी डाउन यहाँ के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड है, ब्रॉड डाउन हाउ मच 13,500 सेप्टेम्बर 1। सेम यहाँ का कैरी डाउन यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन 13,000 हाउ मच सेप्टेम्बर 1, यहाँ का कैरी डाउन यहाँ के लिए ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझ में आ रही बात आया ना? इस सम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ये था नहीं, खाली ये था कि लिमिटेड कर दिया था कि 5 अकाउंट ही बनाना, उसके अलावा अगर कोई अकाउंट डिस्कस होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है या बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा वैरायटी अपनी बैलेंस वाली थी जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है? चलो।